तो हेलो फ्रेंड्स, आ चुके एक नए वीडियो के साथ। मैं एक दिन वीडियो नहीं लेके आया तो मेरे वीडियो में कमेंट आ गया था रोलेक्स भाई वीडियो लेकर आओ, एंड साथ ही साथ आप फेसेस पर ऐसे फोटो को मैं कैसे एडिट किया बताता हूँ आपको। ऐसे एडिट किया हूँ, देख लीजिए कितना आसान तरीका से फेसेस मोड एंड हाई क्वालिटी दिया हूँ। हाई क्वालिटी कोई भी आपको नहीं सिखाया था होगा, सिर्फ RDX भाई लगा ही फेस किया हूँ गोरा। और ये कोई आईफोन का फोटो नहीं है, ये इसी मोबाइल का फ़ोटो है ओप्पो का। सबसे पहले हम इसे ओरिजिनल फ़ोटो लेते हैं। हाँ मेरी गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखते हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो प्लीज कर दो यार। मैं आपके लिए बहुत सोच कर फेस स्मूथ एंड हाई क्वालिटी लेके वीडियो आता हूँ। और जो फोल्ड होगा वो कमेंट कर दीजिएगा, अभी बोल दे रहा हूँ। ऐसे एडिट किया हूँ, देख लीजिए बिफोर है ये। तो चलिए बिना किसी देरी का हम वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सिंपली सा इस वाले फोटो को शेयर करेंगे स्नैपशीट मोबाइल एप्लीकेशन में। एंड आप देख लीजिए, अब आप क्वालिटी देख लीजिए कैसे मैं क्वालिटी डाल रहा हूँ। आप मेरे दिए हुए ऑप्शन को फॉलो करिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। तो टूल्स भी आ जाएंगे, ट्यून इमेज, ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ा लेंगे, सैचुरेशन को हल्का एक, ब्राइटनेस को 16, सैचुरेशन को एक, एम्बिएंस को भी बढ़ा देंगे 50 कर देंगे 51, एंड हाईलाइट को भी कम कर लेंगे। देख लीजिए बैकग्राउंड रोटेट शैडो को बढ़ा लेंगे इधर से। डन करने के बाद अब देख सकते हैं हम फोटो कैसे बिगाड़ दिए हैं। तो ऐसे करके हम एडिट करने वाले हैं, तो सिंपली सा फिर से टूल्स वाले आइकन पर आ जाइएगा एंड टोटल कंट्रास्ट में हाईलाइट टोन्स को 0, मीडियम टोन्स को 0 एंड लो टोन्स को भी 0, रोटेट शैडो को 100+, रोटेट हाईलाइट को भी 100+। क्या करने के बाद सिंपली से डन कर लेंगे। अब आपको किधर फोकस करना है पता है, बैकग्राउंड पे अब आपको फोकस करना है। बैकग्राउंड पे देख लीजिए एक बार, देख लीजिए अब बिफोर दिखा रहा हूँ, बिफोर एंड आफ्टर देख लीजिए, बिफोर एंड आफ्टर। इतना करने के बाद सिंपली से इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे, एंड लाइट रूम में कर लेंगे शेयर। शेयर करने के बाद थोड़ा देर ले रहा है गाइस, सिंपली सा इस वाले ऑटो पे क्लिक करेंगे, लाइट पे आएंगे, इसको पता है हमको क्या रखना है, कितना 14, इसको 13, हाईलाइट को 100 माइनस एंड पोर्ट्रेट शैडो को 100+100 एंड वाइट को भी 40, ब्लैक को हल्का सा कम 26। देख लीजिए आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर से कलर वाले आइकन पे आ जाएंगे, मीस पे क्लिक करेंगे, येलो टोन इसका सैचुरेशन माइनस एंड इसका इसे हम बना रहे हैं, इसका सैचुरेशन माइनस कर लेंगे। इतना करना सिंपली सा इस वाले आइकन पे आ जाएंगे एंड सैचुरेशन को
जैसे कर देंगे सेम सिचुएशन को मान लिए 33 कर दिए एलिमिनियंस को 100। अब आप क्वालिटी देख लीजिए मैं कैसे क्वालिटी डाल रहा हूँ, आप देख लीजिए अपने हाथों से। फिर सिंपली सा इस वाले आइकन पे आ जाएंगे, रेड इसका ही एंड इसको 45, लेमिनियंस को 61। अब आप क्वालिटी देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर, एक बार फिर से देखिए बिफोर एंड आफ्टर। जो भी सिखाता हूँ अच्छे तरीका से सिखाता हूँ, कोई भी मैं वीडियो में कुछ भी नहीं करता हूँ, सिर्फ आपको सिखाता हूँ अच्छे तरीके से। तो इस वाला आइकन पे आएंगे, इसको सेव कर लेंगे। देख लीजिए सिंपली सा आप इस तरह फॉलो करिएगा, दोबारा से आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। मैं जो स्मूथ करता हूँ वो कैसे स्मूथ करता हूँ, सिर्फ आप वन क्लिक में स्मूथ कर लेंगे। इधर देख लीजिए, इस पर क्लिक करेंगे, पेंसिल वाले आइकन पे आके इधर से हम एक चूज कर लेंगे ब्रश, कोई सा भी नहीं चूज करना है, सिंपली सा इधर से हम ब्रश चूज कर लेंगे, पता है कौन, ये वाला ब्रश, सॉरी गाइस ये वाला ब्रश है, ये वाला ब्रश, इस पर क्लिक करेंगे तब फॉलो 65 एंड इसका साइज बढ़ाएंगे। इधर इस पर क्लिक करेंगे स्मूव, इसका स्ट्रगल स्ट्रक एक एंड इसका फॉलो नाइस एंड साइज अपने आप को देख लीजिएगा, नाइस में रखेंगे इसको हम 12 नहीं तो 10 कर 5 कर दिए एंड साइज देख लीजिएगा, साइज अपने आप से मिला लीजिएगा। इधर आइए इसको, जो भी सिखाता हूँ अच्छे तरीके से नहीं सिखाता हूँ, अगर आपका पोल्ड आया होगा ना तो हम कमेंट कर लीजिएगा। देख लीजिए इधर कितना उत्तम तरीका से स्मूथ हो रहा है, हो रहा है कि नहीं आप ही देख लीजिए। आप ऐसे आप लोग कर देते हैं ऐसे ऐसे तो होगा ही ब्लैक ब्लैक, तो सिंपली से इस कट कर लेंगे एंड ऐसे करना है हमको, क्या करना है ये मान लिए वाइट है ना, तो वाइट को इधर खींचना है, देख लीजिए वाइट खींचा रहा है इधर देख लीजिए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, एक शानदार सा अच्छा सा कमेंट करिएगा।